So how did it start, sir, and how was the initial phase? कैसा था और अभी कैसा है? अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो 2004 में जब हमको एसीपी की फील्ड के बारे में ये भी नहीं मालूम था क्या होता है, हमको ये मालूम था कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसको एलुडेकोर बोलते हैं, उसको एसीपी नहीं बोलते. पेपर में जबलपुर शहर के कुछ न्यूज़ आती थी, इनकम टैक्स बिल्डिंग, रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6, 25,000 स्क्वायर फीट, बरगंडी येलो एंड ब्लू कलर. ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी. और उस टाइम पर पेपर वाले ये न्यूज़ नहीं देते थे कि कोई एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल का काम चल रहा है. उनको ये लगता था इसको एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल नहीं बोलते हैं, एलुडेकोर का सील लगा, एलुडेकोर का काम चल. जबलपुर में तो एटलीस्ट कम से कम हम समझते हैं 2004 से लेके 2008 और 10 तक एलुडेकोर वर्क बोलते हैं. कोई दूसरी भी कंपनी आके वहाँ पे अगर एसीपी लगा रही थी तो लोग समझते थे अरे वहाँ भी तो एलुडेकोर लग रहा है, वहाँ भी तो एलुडेकोर का काम चल रहा है. एक हमारा प्रोडक्ट हुआ करता था AL33, और मैं समझता हूँ शायद वो मेरा पहला प्रोडक्ट था AL33 जो मैंने एलुडेकोर के साथ स्टार्ट किया. मैं समझता हूँ आज भी जहाँ पे AL33 लगा है वो एलुडेकोर की शान का एक सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है अपने आप में. वो जहाँ पे भी लगा है, जिस भी साइड में हमारी लगा हुआ है, हर जगह उसका ना कलर फेड हो रहा है ना डिलेमिनेशन हो रहा है, सब जगह एकदम बढ़िया लग रहा है. जो फैक्ट्री विजिट है मैं समझता हूँ शायद मेरे लिए लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा. और सबसे अच्छी बात थी कि फायर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे होती है, और उसमें जब फायर होता है तो फायर के बाद उसमें जो नॉर्मल हमारा एसीपी है, नॉन फायर रेजिस्टेंट, नॉन एफआर ग्रेड, उसको देखने के बाद ये लगा कि नहीं यार फायर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट हमको मार्केट में और देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए इसको करें, इसको लगाने से ये बेनिफिट्स होंगे. आप सभी का, आपकी पूरी डेलोडेकोर टीम का, खास करके जो आज आप लोगों ने विजिट कराई उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ.